चुनौती सबकी स्वीकार कर लेते हैं आप, किसी को भी मना नहीं कहते हैं। डरने सांझ को आज नहीं, चुनौती से डरता वो है जिसको दिखा तो सांझ को आज नहीं है। हमारी जिंदगी में कभी भी हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, हमें लगा हमें पता है और हमें भरोसा है, हमारा इष्ट बलवान है, हमारे हनुमान जी बलवान है और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करी। दो तरह के लोग आप पर बहुत प्रहार करते हैं शास्त्री जी, पहले तो जो अंधविश्वास निर्मूलन वाले जिन्होंने चुनौती दी कि आइए हमारे पास, और दूसरा जो जो आजकल जो मेंटलिस्ट जिनको कहते हैं माइंड रीडर, वो कहते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो हमारा सामना कर लें, क्या दिक्कत है। उनका एक जादूगरों का माइंड रीडर का एक क्लू लेना, नाम बताना, उसकी एक कला की सीमा है, सीमा की वो बाहर पार पर ही नहीं जा सकते। कल का अगर आपने दरबार देखा हो ना देखा हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हमारी प्रार्थना है कि आप जो फिर से देखिएगा कल के दरबार में, हमने पर्चा पहले से भी बिफोर टाइम लिख करके रख दिया, कोई वहां पर कोई एक सज्जन बुद्धिमान पुरुष बैठे थे, पता नहीं प्रेरणा लगी उनसे कहा कि तुम खड़े हो और उनसे कहा कि आप जिनको लाओगे ये उनका पर्चा, वो नहीं ये कर सकते, वो कर ले आप पूछिए उनसे। लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं, ये सब बोलते रहेंगे सस्ती लोकप्रियता पाने का, किसी के पास अब जवाब नहीं है तो अब आपके पास भी कोई जवाब नहीं, दरबार में फेल नहीं कर पाए, सामना कर नहीं पाए, तो आप कैसे भी करके उसको डैमेज करना है तो उपाय क्या है, बोले इसी से मिलता जुलता कुछ भाई, कांच कांच है मणि मणि है, कांच चमकदार ज्यादा हो सकता है, मणि का सामान सामान सामना नहीं कर सकते, मणि जो कर सकती वो कांच नहीं कर सकती। जैसे जी एक और चीज बहुत बड़ी रहती है वो ये कि जब आप पर सवाल उठे तब आपकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो धर्मांतरण का मुद्दा है और जो घर वापसी की कोशिशें आपकी तरफ से की गई थी, अभी संघ की तरफ से भी एक बात कही गई कि जो बीफ भी अगर मजबूरी में खा चुके हैं तो वो वापस हिंदू बनने के लिए उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है और ये जो घर वापसी की जो चीजें हैं, ये कितनी बड़ी समस्या आपको इस समय दिखती है, और संघ की तरफ से ये जो कहा गया है गोमांस को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है? हमारी पहली विचारधारा पर तो राय है कि बहुत बड़ी विकराल परिस्थितियां हैं, भोले भाले लोगों को पिछड़े पिछड़े हुए जगहों पर लालच दिखा करके, लोलुपता करके, तरह तरह की ट्रिकों का प्रदर्शन करके भोले भाले लोगों को धर्म में ले जाया जा रहा, परंतु घर वापसी पर जो हमारा मत है सब हिंदू हैं, सनातनी सब हैं, पूरी दुनिया का प्राचीन धर्म सनातन है, सब सनातनी है। रही बात वापसी की, शरण कोई आता है तो हम मना नहीं करते, हमारे सिद्धांत और धर्म में ऐसा है। दूसरी बात, सुबह का बुरा शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। तीसरी बात, ब्रीक पर हमारा कोई भी वक्तव्य नहीं, पर जो इस्लामिक धर्म गुरु है वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ये गलत बात कही जा रही है हमें कि हम सनातनी नहीं हैं। अपने बाप को बाप अगर कोई बेटा ना कहे तो उसमें बेचारे बाप की क्या गलती है, उस बेटे की गलती है जो अपने बाप को बाप स्वीकार नहीं कर रहा है, ये उस बेटे से जाकर के पूछना चाहिए, बाप तो बेचारा पैदा कर देता है, तो सनातन की गलती नहीं है, जो भूल गए उनकी गलती, उसी याद कराने के लिए तो हम दरबार लगाते हैं और चिल्ला रहे हैं कि मान जाओ ये तुम्हारा बाप सनातन। आपको ये बात विभाजनकारी नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत नाराज हो रहे हैं सब? विभाजनकारी है, फिर वही बात, पुत्र को पिता से जोड़ रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपकी बात तोड़ने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के तो सरकार के मंत्री ने कहा कि धर्मांतरण की जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आप साबित करके दिखाइए। पॉलिटिक्स पर हमारा कोई बयान नहीं होता है, पॉलिटिक्स पर हमारी कोई टिप्पणी या कमेंट्स नहीं होता है, सनातन ओनली सनातन, केवल सनातन। नहीं नहीं, पर कोई व्यक्ति कह रहा है वो निजी विचार, आपने धर्मांतरण को लेकर जो आरोप लगाए थे उस पर चुनौती दी गई थी कि आप उसे साबित करके दिखाइए कि वाकई जबरन विचार निजी। अभी हमारे एक सेशन है वहां जो जू देव है उन्होंने जो है 1100 लोगों की घर वापसी छत्तीसगढ़ में कराई। जैसे जी, पर जातिवाद एक बड़ी समस्या है, आपको ये महसूस हो रहा है इस समय कि इन दीवारों को गिरने की जरूरत? कोई बड़ी
हमारे घर के बाहर हमारे धाम पर प्रत्येक जाति का व्यक्ति आता है और दरबार में अर्जी लगाता है और भंडारा चलता है, तो कोई नहीं पूछता कि बनाने वाला कौन है, पाने वाला कौन है। हम सब एक साथ होकर के भंडारा पाते हैं। ये सिर्फ जातिवाद वैमनस्यता एक प्रायोजित ढंग और स्वांग है, वो भी राजनैतिक रोटियां सेंकने का एक प्रयोजन है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी।